नमस्कार, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट। आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश इस वक्त अगर हम बताएं तो चौथरफा समस्याओं में घिरा हुआ है। वो समस्याएं जो कि पहले बारिश बन के आई, उसके बाद वो बाढ़ में तब्दील हो गई और उसके बाद अब रहस्यमयी बुखार, जिससे लगातार उत्तर प्रदेश का जो कोना कोना है वो कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरा हुआ है, जिसकी महज कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश में लोग और सबसे ज्यादा बच्चे इस समस्या की चपेट में आते जा रहे हैं। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सबसे ज्यादा 80 बच्चे शामिल हैं, वो भी फिरोजाबाद में। तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता जा रहा है कि आखिर जो हमारा हेल्थ का सिस्टम था, जो हमारा स्वास्थ्य का सिस्टम था, वो क्यों इतना लचर हो गया कि उसने इस तरह की समस्याओं की पहले तैयारी नहीं की, और तैयारी अगर हुई तो इतनी देर क्यों हुई। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस विषय पर चर्चा करते समय हमारा जो कलेजा है वो कहीं ना कहीं मुंह पर आ जाता है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या, 24 करोड़ जो हमारे लोग हैं, उनकी जान की फिक्र है। हमारी कोशिश है कि हम सरकार की जो कमियां हैं उन्हें गिनाएं, और कोशिश ये है कि सरकार उन कमियों पर अमल करके जनता के लिए काम करे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिक्कत बड़ी है, जिस बीमारी से हिंदुस्तान का एक हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है। आखिर वो क्या है? वो डेंगू है या वायरल फीवर है? हेमरेजिक फीवर है, स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, आखिर क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। हर रोज आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। फिरोजाबाद, मथुरा समेत कई जिलों में उस रहस्यमयी बुखार की वजह से रोज लाशें बिछ रही हैं। सिर्फ फिरोजाबाद और मथुरा में ही अब तक 81 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 500 बच्चे बीमार हैं, इसलिए पूरे पश्चिम यूपी में खौफ का आलम है। जिस तरह से पूर्वी यूपी में कभी दिमागी बुखार का कहर था, उस तरह अब पश्चिम यूपी में डेंगू और मलेरिया जैसी लक्षण वाले बुखार का आतंक है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन इलाकों में ICMR की टीम जा रही है ये पता लगाने के लिए आखिर ये कौन सा बुखार है। फिरोजाबाद का अस्पताल बीमार बच्चों से भरा हुआ है। सबको तेज बुखार है, लेकिन किसी को कोरोना नहीं है। ICMR की जिस टीम सैंपल्स की जांच की है, उसका कहना है कि ये कोविड नहीं है। यही बात डॉक्टर भी कह रहे हैं। फिरोजाबाद की CMO का पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा का भी हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। जो हाल फिरोजाबाद का है, वही मथुरा का भी। एक के बाद एक हो रही मौतों से मथुरा के लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग इतना डरे हुए हैं कि वो सरकारी तंत्र के आगे झुकने तक को तैयार है। अब देखिए, इस बुजुर्ग सरकारी तंत्र के आगे नतमस्तक हो गया है। ये इतने डर गए हैं कि इन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। अपने और अपनों को बचाने की गुहार लगाते हुए बुजुर्ग की ये तस्वीर मन को झकझोर करके रख देगी। ये सब
पैर मत छू ये गांव के मुखिया हैं। मरो गांव में बच्चा पहले ये छोरी मर के बाद दूसरा बच्चा मेरे नाती मरो जो तुम आई माँ सब आई जब ते फिर सबरे मायर गाड़ी आई सब ने के बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में देख हमारे बच्चा सब भैया वाणी भर्ती है सब बच्चा यार पूरा गांव तरहता है माने विश्वास उठ जाता है उस सिस्टम से जिसकी दुहाई हर रोज टीवी पर बैठकर सत्तासीन नेता दिया करते हैं। कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी, कई लोगों को शासन स्तर पर तलब भी किया जाएगा, साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं और दिए जाएंगे भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मौत के बाद क्यों? क्या आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि आला कमान के कान पर जू नहीं रेंगती, या फिर मौजूदा सरकार के उन मंत्री पर भरोसा करके आगे बढ़ जाया जाए जो कहा करते थे कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर इस मौत पर पूर्ण विराम कब लगता है। तो देखा साथियों आपने कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, किस तरह से लगातार जिंदगियां धरती छोड़ रही हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन कमियां कहां पर हैं ये अभी तक कोई नहीं बता पा रहा। लंबे समय से हमारी कोशिश यही रही है, हमारी सरकार की कोशिश यही रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए, अधिकारियों को उस काम में लगाया जाए ताकि वो सही तरीके से जमीनी स्तर पर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। अहम बात यह है कि आखिर ये कारण क्या है। देखिए, हम जिस सदी में जी रहे हैं वो सदी में किसी बीमारी को रहस्यमयी कह देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रहस्यमयी हम क्यों कहें, क्योंकि जो बीमारी हमारे सामने है उसका नाम डेंगू है, उसका नाम कहीं ना कहीं दिमागी बुखार है, जो कि एक लंबे समय से हमारे सामने चलती आ रही है। और अगर इस समय हम उस बीमारी को रहस्यमयी कह देंगे तो ये कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से लोगों की जान जा रही है इसके कारण क्या है, क्योंकि कारण अगर हम आपको दिखाएं तो कहीं ना कहीं पुअर वैक्सीनेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है, कहीं ना कहीं पुअर सैनिटाइजेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह के जो प्रमुख कारण है, आखिर सरकार इस पर अपनी नजर क्यों नहीं बना पाती है, क्यों ऐसी घटनाएं घट जाने के बाद ही नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, पहले क्यों नहीं? क्या सरकार को नहीं पता था कि बारिश होगी तो बाढ़ भी आएगी, बाढ़ आएगी तो इस तरह की समस्याएं फैलेंगी? क्या सरकार को नहीं पता था कि चूहे और छछूंदर से भी बीमारी फैल सकती, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, जिसका नाम स्क्रब टाइपस उन्होंने दिया हुआ है? तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से पहले लड़ने के लिए सरकार ने अधिकारियों की टीम क्यों नहीं बनाई? और अब जब ये समस्याएं हमारे सामने हमारे मुहाने पर खड़ी हैं, जिसमें कईयों की जान चली गई है, तब नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं, तब डॉक्टर्स की टीम नदारद है। आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, लेकिन आप इस डिबेट को जरूर देखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इससे ये जरूर पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं और आप इन हालातों से कैसे लड़ सकते हैं। 13 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं, लेकिन अब आगे क्या रणनीति है सरकार की, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और विपक्ष कितना तैयार है आज इसी विषय पर, गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से शबनम पांडे जी हैं और समाजवादी पार्टी से शौकत अली हैं, अब्बास हैदर हैं कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ, और गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, गोरखपुर से मित्र प्रकाश जो कि समाज सेवी हैं और विश्लेषक हैं, हम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम एक बीमारी को रहस्यमयी बुखार कह रहे हैं, ये कितना इस समय सही है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये डेंगू है, सबको मालूम है ये दिमागी बुखार है, सब जान रहे थे इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, सबको ये पता था कि इसकी दवाई और इसका इलाज क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि एक रहस्यमयी बीमारी है, रहस्यमयी बुखार है, जिसकी ओर छोर अभी तक पता नहीं चली है, तो यह कितना सही है?
सबसे पहले तो इस बीमारी की वजह से जो पीड़ित बच्चे हों या व्यक्ति हों उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और निश्चित तौर पे उन्हें बेहतर इलाज दिलाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। और जिसे आप रहस्यमयी बीमारी कह रहे हैं वो उसको आईसीएमआर की एक टीम भेजी गई थी और आईसीएमआर की टीम ने उसको स्क्रब टाइफस करके बताया है। साथ साथ डेंगू चिकनगुनिया जो एक सीजनल वायरल फीवर्स होते हैं उन वो भी फैल रही है। लेकिन रहस्यमयी बुखार कई सारे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ये रहस्यमयी बुखार है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारे डॉक्टर्स जो हैं उत्तर प्रदेश के वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये रहस्यमयी बुखार। नहीं देखिए, जैसे ही इस बीमारी के चपेट में बच्चे फिरोजाबाद में आने लगे, मुख्यमंत्री जी वहां का दौरा करते हैं और साथ साथ उन्होंने एक टीम आईसीएमआर की 15-10 सदस्य टीम भी भेजा और आईसीएमआर के जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने जाके उस पर शोध किया और वो स्क्रब टाइफस करके बताया जा रहा है कि जिस लार्वा के से फैलता है ये, तो उस जांच हो गई है और अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए कार्रवाई बीमारी किस वक्त, शबनम जी मैं यहाँ पे, कोई भी बीमारी अगर फैलती है किस वक्त फैलती है, ये अचानक जब फेवरेबल कंडीशन बनता है, चाहे बरसात, गर्मी, ह्यूमिडिटी, ठंड, अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस इन वायरसेस के लिए होता है और जब ये फेवरेबल कंडीशन बनता है वेदर के फ्लक्चुएशन से तो उससे इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। लेकिन इसको अगर पहले से देखा जाए तो पहले से सरकार ने तमाम प्रबंध किए हैं। आपको पता है कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस 35 जिलों में फैला था और ये एक 2-3 दशकों से पूर्वांचल में फैला और बच्चे लगातार इसका दंश झेलते रहे, बच्चे खत्म होते रहे। तो उसकी तैयारी इस साल नहीं। शबनम जी जिस तरीके से 95% तक उस पर लगाम लगाया, ये हमारी सरकार की उसकी तैयारी नहीं। शबनम जी उसकी तैयारी आपने इस साल क्या करी थी? देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के आए हुए गए हुए 3-4 दिन बीत चुके हैं और कल फिरोजाबाद में 130 लोग एडमिट हुए हैं। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी वहां पर दौरा करके वापस आ गए तो उसके बाद स्थितियां कितनी काबू हुई। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि ये समय ही ऐसा होता है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो ये पहली बार तो नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ ना, कब से बाढ़ आ रही है, कब से बरसात हो रही है? आपने कितनी तो मैं आपको बता रही हूँ, जापानीज इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल में 35 जिलों में लगातार कई दशकों से फैला हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी कोई सरकार। हमारी सरकार ने आके 1 1 करके बात करिए। 4 साल से संचारी रोग अभियान भी तो आप ही लोग चला रहे हैं ना, और संचारी रोग अभियान में ही आप लोग कहते हैं कि इस सारी जो समस्याएं हैं उन पर हम निगरानी बनाएंगे ताकि ये समस्याएं ना हो, लेकिन हर साल ये समस्याएं हो रही हैं। डेंगू जैसी बीमारी जिसमें लक्षण जो सबको पता है और उसमें जो लोग हैं जो एडमिट होने गए हैं, जो इलाज कराने गए, वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने हमें 2 गोली दे दी, 1 शीशी दे दी और कहा जाओ सब सही हो जाएगा, और अगले दिन उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। तो काहे कि ये जो लचर व्यवस्था है, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है आपका वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्बाद है, उस पर आपने आज तक नजर नहीं बनाई है, ये क्यों है? देखिए आपने देखा कि फिरोजाबाद की सीएमओ का तबादला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गोलमोल जवाब नहीं। देखिए सच्चाई यही है कि कार्रवाई तुरंत हमारी सरकार कर रही है और ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती मैम, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? आप लोग पहले क्यों नहीं चेता जाते हैं कि हाँ ये समस्याएं आने वाली, हम तैयारी पहले से कर लें? उसकी पूरी तैयारी हुई भी है, लेकिन अगर वहां की जो लोकल सीएमओ है उनकी तरफ से कोई लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई तो उसी वक्त करेगी जो लापरवाही करेगा उस पर।
उसकी जानकारी तो पहले नहीं हो सकती है। इन सभी जगहों पर मेडिकल कॉलेज है मैम, इन सभी जगहों पर मेडिकल कॉलेज है, उसके बावजूद ये हालात है। फिलहाल मैं आपके पास फिर आऊंगा, मैं अन्य लोगों का भी जो पक्ष है वो ले सकता हूँ, लेता हूँ। शौकत अली, मैं आपके पास आऊंगा, क्या हालात है उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, क्योंकि एक समस्या को रहस्यमयी समस्या कह दिया गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सब चीजों पर धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कोविड जिस तरह से फैला उसके बाद सरकार ने कहा कि हम उसको और कोशिश कर लेंगे, सरकार ने काम भी किया, लेकिन उसके बाद अभी जो ये समस्या शुरू हो गई है, सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे हर चीज पर काबू पा लेंगे, लेकिन उतने समय में लोग जिस तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं, उतने समय में लोग जब अपना इलाज करवाने जाते हैं तो उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, दवाएं नहीं मिल रही, एडमिट नहीं हो पा रहे, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, तो इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से शबनम कह रही है, शबनम जी अभी कह रही कि बहुत लंबे समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं, बीती सरकारों ने कोई काम इस पर नहीं किया, तो क्या कहेंगे आप? क्या आप लोग कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा, जब आप सत्ता में थे तो आपको इस पर काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ताकि अभी की जो सरकार है ये बात ना कह पाती? देखिए नितिन जी, सबसे पहले चीज तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्राइम टीवी को, कितने गंभीर मुद्दे पे आज चर्चा हो रही, और शबनम जी देखिए घिसा पिटा बयान देके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, अच्छी वक्ता भी हैं, लेकिन घिसे पिटे बयान से उत्तर प्रदेश को राहत मिलने वाली नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं शबनम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार से, ये कोई ताज़ा मामला नहीं है, आज अगर फिरोजाबाद के हालात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी इससे सुरक्षित नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी गंदे पानी का मामला हुआ था, ताज़ा उदाहरण है फैजुल्लागंज में, तमाम लोग डेंगू से ग्रसित हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम इतना काम कर रही तो तमाम जो कोविड में हालात हुए वो क्या थे, अगर अभी भी काम कर रही थी तो फिर ये आने वाले हालात क्या हैं? आप सिर्फ एक बयान देके अपने आप को बचा नहीं सकती शबनम जी, कि हमने कार्रवाई कर दी बयान के साथ, ये भी तो सीएमओ को हटा दिया। सुनिए, सीएमओ को हटाने से क्या उन जो मृतक बच्चे हुए उनको वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। आप उनको क्या राहत दे रहे हैं, आगे आपकी क्या तैयारी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती। तमाम लोग आज एडमिट हो रहे हैं, अभी आपने बताया कि 140 लोग एडमिट हुए, 100 लोग एडमिट हुए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 35 जिले ग्रसित हैं, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? आप घिसे पीटे बयान देके हैं, पूर्वांचल बहुत पहले से ग्रसित था, मुझे बताइए शबनम जी, आप भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, बताइए पूर्वांचल में आपसे पहले इतने बच्चों की कभी मृत्यु हुई है? नहीं हुई है। आपकी सरकार में अभी एक हमारे वेद प्रकाश जी हैं, शायद वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो भी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हम लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनने वाले लोग नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में आपने सच में काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बताइए आपने क्या काम किया है, और आगे आपकी क्या तैयारी, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज आपकी टीमें बताते हैं, आप लोग टीवी पे आके कुछ भी बोल दीजिए कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह कि धरातल आपसे छूटा हुआ है। आज अगर आपने काम किया होता उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किसी भी जिले में, तो यह जो आलम आज उत्तर प्रदेश की जनता को देखने का मिल रहा है, जो पीड़ा आज उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है, पीड़ा ना झेल रही होती, मैं कहना एक दिन की तो समस्या है नहीं, समस्या तो काफी लंबे समय से चली आ रही है शौकत। और जैसा कि मैडम अभी कह रही थी कि बीती सरकारों ने काम नहीं किया, अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद ये जो हेल्थ सिस्टम है इतना बर्बाद नहीं हुआ। शबनम जी से, आप लोग ने काम नहीं किया। नितिन जी, शबनम जी मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करें, उत्तर प्रदेश में कितने हॉस्पिटल बना दिए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, पिछली सरकारों ने वो हॉस्पिटल ना दिए होते तो शबनम जी ये भी बता दें कि वो एडमिट कहां करा पाती आज। इन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, लखनऊ में ही आदरणीय नेताजी की सरकार में और आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में हॉस्पिटल मिले हैं, जहां पर एडमिट कराने का काम करते हैं, चाहे बगल में आपके ऑफिस के लोहिया हो, थोड़ी दूर पे चंद किलोमीटर पे चले जाइए लोग बंधु हो, तमाम हॉस्पिटल ऐसे दिए हम लोगों ने, तमाम हॉस्पिटल दिए हैं जहां आज उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलने का काम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मौजूदा सरकार, उसने क्या किया है स्वास्थ्य में, यह बताने में अच्छा है, ये नहीं बता पाते हैं कि हमने काम क्या किया। ये जरूर बताते हैं, अरे पिछली सरकारों ने ये कर दिया। अरे महाराज, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए इस भाषा सुनने के लिए नहीं बिठाया था, इसलिए आपको मत दे के कुर्सी पर आश्रित नहीं कराया था कि आप ये जवाब दे, पूर्ववर्ती सरकारों ने ये कर दिया, इसलिए बिठाया था कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा रोजगार, अच्छी जवाब ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश की जनता को, जवाब जनता जूझ रही है। शबनम जी, जो बातें कही है शौकत ने भी आप लोगों के लिए और पार्टी के लिए, कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल इनकी देन है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए शौकत जी, पहली गिनती देख लें कि 70 सालों में 12 अस्पताल केवल 12 के बाद हमने 4 साल में 30 मेडिकल कॉलेज हेपेटाइटिस से लाखों बच्चे मर गए, लेकिन जू तक नहीं रहेगी पुराने सरकारों में। लेकिन इन 4 साल में जैपनीज इंसेफलाइटिस को किस तरीके से हमारी सरकार ने कंट्रोल किया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता और उत्तर प्रदेश के सब माँ बाप जानते हैं। चलिए मैं आप लोगों के बाकी साथियों को भी जोड़ता हूँ, शबनम जी मैं बाकी साथियों को भी, आप लोगों की जो यहाँ पर मौजूद है उनको जोड़ता हूँ। अब्बास हैं कांग्रेस से, अब्बास ये जो समस्याएं अभी आप लोग देख रहे हैं,
ये समस्याएं क्या पहले भी देखने को इसी तरह मिली थी? क्योंकि शबनम जी कह रही हैं कि ये अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने बेहतर काम किया होता तो इतनी हालात नहीं बिगड़ जाते उत्तर प्रदेश में। आप क्या मानते हैं कि अगर पुरानी सरकार काम करती तो इतने हालात नहीं बिगड़ते, या इसी सरकार की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही? नितिन जी देखिए, पहले मैं आपको और प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे संवेदनशील विषय को आप लोगों ने उठाया इस समय, जिसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं शबनम जी से पूछना चाहता हूँ कि कितने पीएचसीज और सीएचसीज आपकी सरकार में बनाए गए? अभी शबनम जी बोल रही थी कि 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, हमारी सरकार ने 30 बना दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ शबनम जी, आप ही के मंत्री अश्विनी चौबे जी ने राज्यसभा में ये स्पष्ट कहा था, 2020 सितंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 45 मेडिकल कॉलेजेस पहले से थे, 12 मेडिकल कॉलेज जो है उनको जो है बनाया गया है, जिसमें से 9 सरकारी और 3 निजी हैं। उसके साथ ही साथ एमसीआई ने सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज को उत्तर प्रदेश में 3 साल में रिकॉग्निशन दिया है। तो ये इनके चुनावी बयान अलग होते हैं, ये जब भाषण पे आते हैं, चैनल पे आते हैं, तो इनके प्रवक्ता बोलते हैं हमने 30 मेडिकल कॉलेज बना दिए। जब पार्लियामेंट में आरटीआई में कागज में इनसे मांगो तो इनके पास जमीन पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। और वो जो 9 मेडिकल कॉलेज की बात अश्विनी चौबे जी ने राज्यसभा में कही भी है, वो भी जमीन पे अभी बने नहीं है, तैयार नहीं, किसी एक में इलाज नहीं हो रहा है। मैं शबनम जी से पूछना चाहता हूं कि कोरोना के समय में किस मेडिकल कॉलेज में आपकी सरकार के बनाए हुए कोविड का इलाज हो रहा था? इलाज कहां हो रहा था? पीजीआई में हो रहा था, जो कांग्रेस की सरकार का दिया हुआ है, या अन्य पार्टियों के बनाए हुए अस्पतालों में इलाज हो रहा था? आज सबसे बड़ी देखिए, उत्तर प्रदेश में 16 में से 14 से ज्यादा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्यों फॉगिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है डेंगू से लड़ने के लिए? आप जवाब दें। दूसरी बात, आप जब एक को आप डेंगू से नहीं लड़ पा रहे हैं तो कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पे खड़ी है, उससे लड़ने के लिए क्या तो क्या पर्याप्त मात्रा में कोरोना में तो बहुत बेहतर काम किया सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया। मैं बताऊंगा, इन्होंने ये बेहतर काम किया कि इन्होंने जो है एक फर्जी अफवाह उड़ा दी कि WHO ने इनकी तारीफ करी है, जबकि WHO ने कोई तारीफ नहीं करी थी। WHO ने 3 ट्वीट किए थे, WHO ने उसमें कहा था कि हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता कर रहे हैं मॉनिटरिंग में, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, गांव-गांव जाके टेस्टिंग हो रही है, ये बात WHO ने कही थी। एक तरह से WHO ने अपनी पीठ थपथपाई थी, और यहां पे खबरें चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ जी की पीठ थपथपा दी, WHO ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो इनका काम सिर्फ भ्रमित करने का है। मैं आपसे चाहता हूं एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर कि आप जनता के लिए काम करें। 5 साल जनता ने आपको इसलिए दिए थे कि आप जनता के लिए काम करके दिखाएं, दूसरों पर उंगली मत उठाएं, ये मत कहें कि आपकी कमीज ज्यादा सफेद है या मेरी कमीज ज्यादा सफेद है। आपने काम नहीं किया, आप बस ये बताएंगे कि पहले ये होता था, अब ये होता था। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए 2017 से जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात इन्होंने करी, गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चों की ऑक्सीजन कमी से मौत हो गई, उसका कौन जिम्मेदार है? तब से लगातार ये लखनऊ के बालू अड्डे पे, जो मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, वहां पर कितने बच्चों की अभी मौत हुई है और कितने लोग अस्पताल में बीमार हुए दूषित पानी पीने से? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? सरकार राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के बगल में नहीं ध्यान दे सकती तो उसे क्या उम्मीद करी जाएगी? इसका जवाब लेते हैं, जनपद में मुख्यमंत्री नहीं देख सकते हैं। अब आज इसका जवाब लेते हैं साथियों। 13 ऐसे प्रमुख जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर ये समस्याएं इस वक्त फैली हैं, और उसी में सबसे अहम है गोरखपुर, जहां पर कहीं ना कहीं जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जापानी बुखार की बात कर रहे हैं, उसके जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके जो मरीज बच्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त गोरखपुर से ही मित्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विश्लेषक हैं और समाज सेवी हैं। मित्र प्रकाश, गोरखपुर की स्थिति क्या है? क्योंकि जिस तरह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है गोरखपुर में, उनके तरफ से भी हमें यही पता चला है कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। वहां पर भी लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सवाल एक है कि योगी जी का वहां से पुराना नाता रहा है, दूसरी चीज वहां पर BJP के सांसद हैं, तीसरी चीज लगातार वहां पर कई सारे ऐसे प्रमुख कार्यक्रम होते हैं जहां पर VVIPs का जमावड़ा होता आया है, उसके बावजूद वहां की जो स्थिति है वो अभी तक नहीं सुधर पाई है। 3-4 साल पहले भी वहां पर वही स्थिति बिगड़ी थी, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी, और हमारे एक मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो उस वक्त थे, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया था जिस पर काफी विवाद भी खड़ा हुआ था। अभी की क्या स्थिति है मित्र प्रकाश वहां पर, और उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या फैली है, क्या इसे समस्या को रहस्यमयी कहा जा सकता है? मित्र प्रकाश, आपकी आवाज। हेलो,
मित्र प्रकाश से शायद हमारा संपर्क टूटा हुआ। मित्र प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मैं शबनम जी से जवाब ले लेता हूं जब तक मित्र प्रकाश से हमारा संपर्क फिर से जुड़ता है। शबनम जी, जिस तरह से अभी अब्बास ने कहा और शौकत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो लखनऊ है वहां पर भी स्थितियां बहुत ही गंभीर है, सरकार यहां पर नजर नहीं बना पा रही है। मेडिकल कॉलेजेस की बात उन्होंने कही कि जितनी लिस्टें आप लोगों ने दी थी वो सारी की लिस्ट उसमें जो 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 नाम गिनाए गए थे उन नामों में वो अस्पताल ही नहीं है। जब आपसे RTI मांगी गई तो वहां पर कुछ और पेश किया गया। और सबसे अहम बात, जिस तरह से अब्बास ने कहा कि WHO की तरफ से आप लोगों ने जो कहा था कि मुख्यमंत्री की या बीजेपी सरकार की तारीफ की गई है वो सब एक ढकोसला, एक झूठ था, क्या कहेंगे इस पर आप? ये कोई भी आरोप लगाने के लिए जिसमें कोई तथ्य न हो बेहिचक झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते आ रहे हैं। वो सोचते हैं शायद इस तरीके की बातें करके वो जनता को बरगला सकेंगे, पर जनता जब सुविधाएं अपने पास पाती है तो निश्चित तौर पर इनकी ये हवा हवाई आरोप उनको उनके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। अगर ये कहते हैं कि पहले व्यवस्था अच्छी थी तो मैं पूछती हूँ सामान्य समय में भी अगर कोई सीरियस पेशेंट होता था तो वेंटिलेटर की कमी क्यों रहती थी? कोरोना के समय में जिस तरीके से वेंटिलेटर के साथ साथ तमाम सुविधाओं को बढ़ाया हमारी सरकार ने, अगर सामान्य समय में भी हम लोग समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं, तमाम लोग आते थे और वेंटिलेटर हम सामान्य समय में जब इनकी सरकारें हुआ करती थी लोगों को नहीं मिलता था। एम्स बन रहे उत्तर प्रदेश में, एम्स बनने का काम लगता है सदियों से चल रहा था लेकिन कभी कम्प्लीट अच्छा, नहीं हुआ। शबनम जी मैं आपको रुकूंगा। मैं कई बार ये सुन रहा हूँ, बीजेपी के कई नेताओं से सुन रहा हूँ कि आफत एकाएक उत्तर प्रदेश में आ गई। कोरोना आया तब भी आप लोग ने कहा, जो पहली वेव आई थी कि आफत एकाएक आ गई, सेकेंड वेव आई उसमें भी आप लोग ने कहा कि आफत एकाएक आ गई। चलिए कोरोना तो ठीक है क्योंकि कोरोना के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी जो समस्या फैली हुई है इसके बारे में तो पता था। इसको आप नहीं कह सकते कि ये एकाएक आ गई है और यहां पर इसी वजह से अस्पतालों में कमी, इसी वजह से डॉक्टर्स की कमी, इसी वजह से दवाइयों की कमी हो रही है। इसको तो एकाएक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो हर साल होती आ रही है ना। देखिए जिस तरीके से ये फिरोजाबाद में जो बीमारी हुई है वो हर साल नहीं आती थी, वो इस बार एकाएक आई है, इसलिए उसको शुरुआती दौर पे सरकारों को जानने में मुश्किल हुई। ICMR की टीम आई और उसने उस पर सोच किया और बताया। मैडम वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बरसात की वजह से ये समस्याएं फैली हैं, डॉक्टर्स वहाँ के कह रहे हैं किसी भी वजह से अगर फैलती है तो वो, अगर कोई बीमारी पहली बार अगर फैलती है तो निश्चित तौर पे वहाँ डॉक्टर्स नहीं जान पाए, तभी ICMR की टीम बुलाई गई और ICMR की टीम में जो 11 सदस्य थे उन्होंने शोध किया और बताया कि ये बीमारी और उस पर चली। और हमारी सरकार तो अब डोर टू डोर भी इसके लिए कार्यक्रम अपना रही है कि डोर टू डोर। सवाल यही है मैडम, सवाल यही है कि ये समस्या पैदा कहां से हुई और दूसरी चीज की समस्या पैदा होने के बाद ही आप लोग डोर टू डोर क्यों जाते हैं? हम मित्र प्रकाश के पास जाएंगे। मित्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मित्र प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मित्र प्रकाश, सारे सवाल भी मिल गए थे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि गोरखपुर की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि आप गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में कहा गया, क्योंकि देखा जाता है कि आए दिन वहां पर VVIPs के जमावड़े होते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, योगी जी का लंबा नाता वहां से रहा है, बीजेपी के सांसद हैं, कई सारे विधायक हैं, उसके बावजूद 3 साल पहले जो हालात थे जहां पर बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी वही हालात अभी भी वहां पर बने हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है, एक रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि वहां पर मीडिया को कवरेज करने से भी रोका गया है, ये बताने के इससे रोका गया है कि कितने मरीज एडमिट हैं, कितनों का इलाज चल रहा है, कितनों की डेथ हो गई है। कितनी सच्चाई है वहां पर गोरखपुर की, ये जरा बताइए। जितनी बातें आपने बोली वो 100% सच है, इसमें मीडिया कवरेज ही नहीं, वहां अगर किसी परिजन से मिलने हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को रोक दिया जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका कौन सा परिजन है, आपको क्या है, मतलब वहां सच्चाई बताई नहीं जाती है। अगर कोई मौत होती है तो जैसे मैं शुरुआत से इसकी शुरुआत कर देता हूं, जैसे मैडम ने अभी बताया कि ये एक रहस्यमय बीमारी है, तो मैडम बड़ा भोलेपन के साथ ये बता रही थी कि रहस्यमय बीमारी है, नाम बदलने में माहिर इनकी पार्टी है, मैडम भोली है इसलिए समझ
समझ नहीं पा रही है। जब किसी बीमारी को इस वैज्ञानिक युग में समझा नहीं जा रहा है तो उससे बड़ा आसान तरीका है कि उसका नाम बदल दो और बोल दो रहस्यमय, तो ताकि कमजोर लोग ये समझ ना पाए कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, साधारण सी डेंगू की बीमारी है, सरकार की लापरवाही से ये फैल रही है और इसका कोई आसान सा इलाज है जो सरकार ही कर सकती है। सरकार अगर अच्छी दवा दे देती, सरकार अगर अच्छे अस्पताल दे देती तो शायद दिक्कत नहीं होती। लेकिन सरकार कर क्या रही है ये भी सुन लीजिए। सरकार ये कर रही है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टरों में बैठ के और वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, राजनीतिक सियासत हो रही है, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, दूसरे के काम को अपना काम बताया जा रहा है और भी ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मैं कई चीजें लिख के भी लाया था कि ये चीजें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, इनसे ये भी सवाल पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता है, शायद ये ऊपर जाके अपने पूछे, जो प्रधानमंत्री जी ने 2019 में 1,00,000 करोड़ रुपए और 2020 में 110,00,000 करोड़ रुपए और 100,00,000 करोड़ रुपए 2021 में दिए हैं, वो किसी अंबानी अंडानी को दिए हैं या प्रदेश के सरकार को विकास करने के लिए दिए हैं या हॉस्पिटल बनवाने के लिए दिए हैं, लोगों को रोजगार के लिए दिए हैं? अगर इस तरह लोग मरेंगे तो क्या स्थितियां रह जाएंगी? शायद बार बार कई लोग ये आरोप लगाते हैं नितिन जी कि जिसके खुद के बच्चे नहीं है वो दूसरे के बच्चों का दर्द कैसे समझेगा। वो ये एकदम बात आज सत्य होती हो रही है। फिरोजाबाद में जब 45 बच्चे मरते हैं तो शायद आपका भी कलेजा पसीज जाएगा, आप भी शायद शबनम जी मां होंगी, लेकिन 45 बच्चे मर गए हैं, लेकिन आज उस पे आप सियासत कर रही हैं कि वहां के सीएमओ को बदल दिया गया है। ये गंदी सियासत है, आपका उस पे कोई शोक नहीं है, आप सिर्फ सियासत कर रही हैं। अच्छा, 45 बच्चे मर गए। मथुरा में, एक मिनट नितिन जी सुन लीजिए, मथुरा में कोहा गांव में लगभग 60 लोग ने घर छोड़ के पलायन कर लिया है और आप कह रहे हैं कि हम सीएमओ को निलंबित कर दिए हैं। मैं तो प्रकाश, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रहस्यमयी बुखार है, कई जगहों के डॉक्टर्स ने भी ये बात कह दी कि रहस्यमयी बुखार, डेंगू का ये स्क्रब थाइपस भी बोल दिया है, रहस्यमयी बुखार बोल दिया है। आप 3 साल पहले, अगर मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले भी आप गोरखपुर में ही थे तब भी इस तरह की समस्या फैली हुई थी, तो क्या वो जो लक्षण थे वही लक्षण आज भी है या नहीं है या कुछ अलग हो गया है जिसको रहस्यमयी बोला जा रहा है? देखिए, ये बोलना और नहीं, ये तो डॉक्टर का बोलने का मामला है, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं वो साफ साफ डेंगू के हैं और जो मेरी डॉक्टरों से बात हो रही है वो भी उसे डेंगू बता रहे हैं। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की जो टीम 9 और टीम 11, इनकी जो हमेशा झूठ बोलती रहती है, उसने एक कह दिया है, शायद हर सीएमओ को एक फरमान दे दिया है कि लोगों को भ्रमित कर दो, जो डेंगू है उसका नाम बदल के रहस्यमय रख दो, लोग अपने आप फिकर में करने लगेंगे कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं। शबनम जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, क्योंकि गोरखपुर से आप लोग का लोगों को भ्रमित किया है। शबनम जी के चेहरे पे मुस्कान है, 50 बच्चों की मौत हुई है। शबनम जी क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे मित्र प्रकाश जी, जिस तरह की बातें कर रहे थे मुझे ताज्जुब हो रहा था कि एक सरकार जो कि जन कल्याणकारी सरकार होती है, जनता की सेवा के लिए सरकार होती है, जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए सरकार होती है, कोई भी सरकार क्या ये स्ट्रैटेजी बनाएगी कि हम रहस्यमय बीमारी बोल के और जनता को मौत के मुंह में धकेले? ये खुद ब खुद सुनने वाले कि किस तरीके से सरकार पे आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। सरकार कहीं भी कोई भी जनता को मरने नहीं देती है और जिस मुस्तैदी से सरकार ने कोरोना काल में काम किया, जिस मुस्तैदी से वैक्सीनेशन का काम किया, जिस तरीके से आपके आरटीपीसीआर टेस्ट हुए और जिस 11 सदस्य टीम को बुलाकर सब टाइफस बीमारी के बारे में बताया गया, देखिए हम आप स्टूडियो में बैठ के सिम्टम बता के कहे नहीं ये तो गलत बताया जा रहा है, ये डेंगू है, ये टाइफाइड है, गलत बात है। डॉक्टर का काम डॉक्टर, तो सही बात आप लोग बताइए ना, आप लोग राजनीतिक लोग, आप लोग सही बात क्यों नहीं? हम देखिए मैडम, हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप लोग इतनी लेट, आप लोग हर चीज में लेट क्यों कर देते हैं, हम लोग तो यही पूछ रहे हैं। चलिए मैं बाकियों से जवाब लेता हूँ। अब्बास जिस तरह से भी शबनम जी कह रही है कि सरकार सितंबर महीने में बारिश होगी, इनको पता ही नहीं था कि सितंबर महीने में बाढ़ आती है, इनको पता ही नहीं था कि आने वाला समय भयावह होने वाला है, इनको कोई जानकारी नहीं मैडम, राजनीति छोड़ दीजिए आप अगर इस तरह की बातें कर रही हैं तो राजनीति छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आप गलत बातें कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, सिर्फ बच्चों के मरने पर सियासत न करें मैडम, काम करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ आवश्यकता नहीं है मैडम, सुनिए मैडम,
बच्चे 50 मरे हैं, 90 से ज्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में मर गए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है सरकार? सरकारी आंकड़े को झुठला दीजिए। चलिए एक 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 करके सबकी बात आनी जरूरी है, सबकी बात आनी जरूरी है, एक एक करके बात करिए। लोगों के पास दवाई नहीं, आप झूठ बोल रही है। आपके घर में लोग हैं कि नहीं? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप क्या समझेंगी? सरकार, इस सरकार पे आप बात कर रही है, सरकार के पास अगर लोग रहते, चीजें रहती, सिस्टम रहता तो क्या स्थितियां बदलती नहीं? लोग जमीन पे लेटे हुए हैं मैडम, इस बात को अपनी सरकार पे जाके उठाइए कि लोग जमीन पे लेटे हुए हैं। देखिए मित्र प्रकाश जी, ऐसा नहीं है सरकार जमीन पे लेटे, क्या सरकार हर किसी को बेड देने के लिए कार्यकर्ता के साथ काम कर रही है? टीवी नहीं देखती है, सिर्फ टीवी पे बैठती है। शबनम जी, आप टीवी देखती ही नहीं, आप टीवी पे बैठती है, रोड पे खड़े हो जाएंगे, कोई चैनल, कोई भी चैनल, प्राइम न्यूज ने मामला उठाया था जब कोरोना में लाशें जल रही थी और आप लोगों ने टीवी से कर दिया था उसे, आप लोगों ने टीवी से कर दिया था उसे, बाहर लिख दिया गया था यहाँ पत्रकारों का प्रवेश वर्जित है, फोटो नहीं खींच सकते हैं। गोरखपुर में आप लोगों ने लिख दिया था, मैंने इस मामले को उठाया, अगले दिन आप लोगों ने हटाया। आप लोग चीजों को छुपाने में, नाम बदलने में, दूसरे को अपना काम बताने में बड़े माहिर लोग हैं। इसके लिए आपको दंडवत प्रमाण, हमको लग रहा है इसके लिए आपकी सरकार को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। जब आप ही डॉक्टर हैं, आप ही नाम बताएंगे तो फिर चिंता किस बात की है? आप ही बताइए कौन सी बीमारी है और कौन सा इलाज क्या होगा। चलिए मैं बाकियों से जवाब लेता हूं। मित्र प्रकाश और शबनम जी, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए ताकि हम लोग बाकियों से भी बात कर लें। मुद्दा पे संवेदनशीलता के साथ हम बाकियों से भी जवाब लेते हैं। अब्बास, जिस तरह से शबनम जी कह रही हैं कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है, सरकार सुख और समृद्धि के लिए काम कर रही है, कितना सही है ये बयान? और ये सुख समृद्धि जो आप लोग देख रहे हैं, क्यों इससे खुश नहीं है आप लोग? देखिए नितिन जी, मैं मित्र प्रकाश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शबनम जी की पार्टी के नारे और भाषण में और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो जो तथ्य मैंने इनके सामने रखे थे, ये एक भी तथ्य झुठलाने की इनकी ये नहीं झुठला सकती है, लेकिन ये जो है कह सकती है झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज के बारे में जो बताया आपके सरकारी आंकड़े, आप झुठला दीजिए। मैंने और जो बातें रखी आप झुठला दें तो मैं मान जाऊं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जी लाए, बड़े गाजे बाजे के साथ लाए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड के समय में सिर्फ 875 लोगों का उसके तहत इलाज हुआ, ऐसा क्यों? सारी आपने योजनाएं जो स्वास्थ्य विभाग की थी उसमें मिला दी, उसके बावजूद ऐसा हुआ? आप जवाब दें, नहीं दे पाएंगे आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने अभी आप बेडों की बात कर रही थी, कोविड की दूसरी लहर आने से पहले आईसीयू के बेड 36% आप समझ लीजिए, सॉरी ऑक्सीजन बेड 36% आईसीयू बेड 48% क्यों भूल रहे हैं? इसी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप भी आपको दिया जिससे आपको पता चल रहा था, आयोग जो चलता नहीं है जिसमें कोई फर्क नहीं, 28% वेंटिलेटर बेड में कमी आई, ये क्यों आई? आप पूछ रहे हैं आपने बेड बढ़ाए, ना आपने मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, कहीं ओपीडी चालू कर दी तो आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल गया आपका, तो ये हवा में आरोप मत लगाइए। आप तथ्य दीजिए, तथ्य सामने आप रखेंगे नहीं। सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, भाषण प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का कुछ और होता है, तो भाषण में और आंकड़ों में सच्चाई में अगर समानता आएगी तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा बात करते में, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो कुछ और बात करते हैं और आंकड़ों में कुछ और होती है। ऐसी नौकरियों के मामले में हुआ उत्तर प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री जी ने कहा 4.5 लाख हमने नौकरियां दे दी, जब हम लोगों ने आरटीआई में मांगा तो कुछ नहीं दे पाए, फिर उसके बाद आपने अपने प्रवक्ताओं को बता दिया कि इस विभाग में इतनी दे दी, उस विभाग में इतनी दे दी, जबकि असलियत ये कि कहीं पे इंटरव्यू नहीं हुआ है, कहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ देखिए ये हवा वाली जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी जन 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 के पास जा रही है शबनम जी, आप भी कांग्रेस पार्टी में काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने विकास का मॉडल दिया है, असली देश का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने 5,30,000 स्कूल बनाए 10 साल में, 4 से 14 के बीच में आपने 50,000 स्कूल देश भर में बंद किए हैं, ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। हमने जो काम किया आपने उन कामों को बिगाड़ा है और कुछ नहीं किया है, माफी चाहता हूँ लेकिन सच्चाई यही है। शबनम जी, चाहे जो भी हो, जितने भी बयान हो, लेकिन स्थितियां जो है उत्तर प्रदेश की वो बहुत गंभीर है, आप लोग को इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। मैं सपा के पास चलूंगा। शौकत, अभी जिस तरह से जो बयानबाजियां हो रही हैं, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है कि बेहतर कर सके और सुख समृद्धि के लिए जनता के लिए काम कर रही है वो। दूसरी चीज शबनम जी कह रही है कि अगर पुरानी सरकारों ने बेहतर काम किया था, जैसे उन्होंने पहले बोला था कि, तो शायद ये स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे चीजें जो है वो सुधर जाएंगी, जैसे कोविड में सुधर गई थी। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए नितिन भाई, अगर मैं सबनम जी को भाजपा की बुराई बताऊंगा तो सबनम जी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। बुराई क्यों बताएंगे? नहीं बिल्कुल भाई, बुराई मैं बुराई सरकार की बुराई नहीं करूंगा, मेरे घर पे भी रेड डलवाई दी जाएगी ना, इसे समझा करिए मैं बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। करो सुन, अरे सबनम जी अभी सुनिए, बुराई कर लीजिए। अरे मैं बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अपनी अपनी बात कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, कमियां बतानी है। बिल्कुल आप लोगों ने कोई बुराई नहीं करेगा, कमियां बतानी है। मैंने अभी बुराई नहीं की सबनम जी, गुस्सा हो, मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं नितिन जी के घर पे छापा ना पड़ जाए, क्योंकि आज डेंगू के बारे में दिखाया जा रहा है प्राइम न्यूज की तरफ। भाई मेरे घर पे कुछ नहीं है, छापा पड़ जाएगा कोई बात नहीं। मेरे घर जी बिल्कुल, आप लोगों ने कोविड में काम किया मैं मानता हूँ, आप लोगों ने कफन तक चुरा लिया, ये काम किया। लास्ट सुन लीजिए सबनम जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्यों आप झूठा सबनम जी बैठा रहे हैं? ये भी सबनम जी आप देखिए गुस्सा हो गई, मैं अभी बोला भी नहीं था आप गुस्सा हो गई तुरंत, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से। आजकल भारतीय जनता पार्टी से पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ। आप लोगों ने तो वो किया जो उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मुझे लगता है इंसानियत में किसी ने नहीं किया होगा, लाशों से भी कफन उतारने का काम किया आपने, वो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और आप बार बार कहते हैं ना कि हमने कोरोना में बहुत काम किया, बिल्कुल किया, इसीलिए आपके विधायक और सांसद चिट्ठी लिख रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, बसरते ये उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, कमियां नहीं गिना रहे, बुराई नहीं कर रहे, कमियां नहीं गिना रहे, वो अच्छा ही बता रहे थे, ये सरकार हमारी काम कर रही, ये चिट्ठी लिख के बता रहे थे। सुनिए ना, स्वीकार किया कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है, इसे इसे कहते हैं सबनम जी, सबनम जी शर्म, आपको थोड़ी शर्म बची हो तो शर्मा लीजिएगा। सुनिए सबनम जी, इसे कहते हैं तानाशाही, जब उत्तर प्रदेश का आपकी मौजूदा सरकार का विधायक सांसद मंत्री मंत्री आपको चिट्ठी लिखकर ये अवगत कराए कि आपकी सरकार के लोग काम ना कर रहे हो, और सरकार उस पर तारीफ करे कि देखो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि मंत्री शिकायत करे तो मुखिया खुश हो जाए, देखिए मैं कितना कामकाजू आदमी हूं। आपके हालात तो उस महिला की तरह हो गए, मैं कहना चाहूंगा आज दोहरा रहा हूं, उस महिला की तरह हो गए जिसका पति बिल्कुल ना कह रहा है, किसी काम का नहीं, आप ये अच्छे से जानती हैं, लेकिन क्योंकि मायके वाले घर आ गए हैं तो पति की उस नाकारा पति की भी तारीफ करने में जुटी हुई है, वो हालात आपके हो गए, आपका मंत्री आपसे नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मंत्री से लेकर विधायक से लेकर सुन लीजिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दा गंभीर है, मंत्री केंद्रीय मंत्री तक चिट्ठी लिखी गई, उसके बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुली, उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी, उत्तर प्रदेश की सरकार की आंख नहीं खुली, और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हमने बहुत काम किया। मुझे सिर्फ सबनम जी सबनम जी, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग के चीखने वाला जो ये जिन है ना, ये बड़ा परेशान किए उत्तर प्रदेश के लोगों को, बड़ा गुमराह करता है। मैं पूछना चाहता हूँ सबनम जी, अगर उत्तर प्रदेश की सरजमी पे सच में काम हुआ होता कोविड में, तो ये आपके नौजवान जो पत्र विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री ये चिट्ठी ना लिखते। और मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरजमी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी असुरक्षित थी, तमाम लोगों को हम लोगों ने फोन किया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद विधायक हम लोग को फोन करते थे कि कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था दिला दीजिए, कहीं एडमिट करा दीजिए, ये आलम थे। आप भले ना स्वीकारें, लेकिन कभी अपने विधायकों से ऑन कैमरा कैमरे से हटके पूछिएगा उनसे कि क्या स्थिति थी, तो आपको सच्चाई से अवगत कराने का काम करेंगे। हाँ ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के बाबा मुखिया से वो डरते हैं, इसलिए कह नहीं पाते, बेचारे कुछ थे दमदार जो चिट्ठी लिख रहे थे, बाकी तो ऐसे हैं बेचारे, वो चुपचाप बैठे हुए, उनको डर मालूम है किस बात का, चिट्ठी से पता नहीं, उस चिट्ठी से फायदा कितना हुआ ये तो बताइए, फिर वही स्थिति आ गई। मैंने कहना कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया होता तो वो तारीफों की चिट्ठी लिखते, उनको आईना दिखाने का काम नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने सदन में आईना दिखाने का काम किया था कि सरकार इस आईने से देख के ये समझने का काम करे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश को सही करने का काम करे, लेकिन सरकार वो आईना देख के भी अपने मुंह पे कपड़ा डालने का काम कर रही है। चलिए आगे मैं दूसरे लोगों को भी जोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही हैं, उसका जवाब शबनम जी पूरा तैयार कर रही हैं और आपको जवाब देंगी। मित्र प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी जिस तरह से शबनम जी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये स्थिति है, इस स्थिति पर काबू पाया जाए, कोशिश कर रही है कि जनता के सुख और समृद्धि के लिए काम करे, कोशिश ये कर रही है कि ये जो बयानबाजियां दूसरे लोग आप लोग करते हैं, ये बयानबाजियां खत्म हो जाए ताकि जनता और उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, क्या कहेंगे इस पर? शबनम जी, जैसे अभी मैं कह रहे थे, आप भी बता रहे थे कि इससे पहले जो साथी थे शौकत भाई बता रहे थे कि तमाम सरकार के लोगों को चिट्ठियां लिखी, तो मैं चाहूंगा कि शबनम जी हमारी बहन भी सरकार को चिट्ठी लिखे और बताएं
कि इतनी गंभीर स्थिति है कि बच्चे मर रहे हैं और मेरी दिक्कत है, मेरे बच्चे मर रहे हैं और ये समस्या है, ये दिक्कत है और आपके अधिकारी, आपके नेता और आपके मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे और आपने जो 1 लाख 10 करोड़ और 100 लाख करोड़ रुपए भेजे थे हर साल, उससे काम नहीं हो रहा है, शायद वो अबानी और अंडानी के पास चला जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो अलीगढ़ को हरिगढ़ और प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज बना रहे हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर रहे। ये जो टीम 9 और टीम 11, ये जो टीम 9 और टीम 11, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये जो टीम 9 और टीम 11 डेढ़ दो साल से बैठ रही है और उसका काम यही है कि वो दिन भर में जो स्वास्थ्य की रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है कि कितना काम हुआ, कितने टेस्ट हुए, कितने मरीज आए, कितना क्या है, कितना नहीं, कितने अस्पताल बन गए, कितने डॉक्टर हैं। डेढ़ दो साल से ये टीम 9, पहले टीम 11 बैठ रही थी, अब टीम 9 बैठ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो जस की तस हैं। हम हर एक बीमारी को ये कह देते हैं कि वो अचानक से हमारे ऊपर आकर बैठ गई है और उसका कोई रास्ता हमारे सामने नहीं दिख रहा, हम धीरे धीरे रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये टीम 9 और टीम 11 क्या मुख्यमंत्री तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाती है या ये सब काम नहीं करना चाहते? क्या अब तक सरकार को ये नहीं पता चला, नहीं समझ आया कि इनके जो अधिकारी हैं वो सही रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं, वो अपनी मनमाफिक काम कर रहे हैं? देखिए, फिर इन्होंने नाम बदल दिया, टीम 9 और टीम 11, ये नया नाम आया है पिछले 1-2-3 सालों से। नाम बदलने में जिस तरह ये माहिर है, उस तरह टीम 9 और टीम 11 का नाम बदले हैं, तो उससे कुछ नहीं कर रहा है ये, उसमें देश शहर का नाम बदल रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधित अगर इसमें सुधार इन्होंने लाया होता तो लखनऊ में जो लाशें जल रही होती उस पे ये लोग टीम नहीं डाले होते, अगर जो गोरखपुर में लाशें जल रही थी उन्होंने पोस्टर नहीं लगाया होता कि यहाँ पत्रकारों का प्रवेश वर्जित है, अगर आज 50 बच्चे फिरोजाबाद में मर रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो वो नहीं होता। जो बच्चे, जो लोग जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जगहों पे, उन्हें बेड मुहैया होते वो जमीन पे नहीं लेते, जो लोग दवाओं की महंगी दुकानों पे लंबी लंबी लाइन लगाए हैं उनको दवाई मिलती निशुल्क, वो इस तरह लंबी लंबी प्राइवेट दुकानों पे लाइन। आप लोग उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं देखते हैं भाई? उत्तर प्रदेश में क्या विकास? जिलों का नाम बदलने को विकास कहते हैं? लोगों के घर के तोड़ के रोड बना देने को विकास कहते हैं? विकास जानते हैं नितिन जी किसको कहते हैं? जब आदमी रात में 4 से 9 बजे रोटी खाता है ना और उसको लगता है कि रोटी के बाद कर्जा नहीं कहीं देना पड़ेगा, उसको विकास कहते हैं। बीजेपी तो दूसरा विकास बताती है। बीजेपी जो विकास बता, जब रोड पे आदमी चलता है और ये डर नहीं लगता है कि कोई अपराधी आएगा उसे गोली मार देगा, उसको विकास कहते हैं। गोरखपुर के एसएसपी हैं, उन्होंने एक नियम लाया है कि अगर किसी को 1 लाख रुपए से लेके अगर अधिक लेके निकलना हो तो पुलिस को फोन करे, पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी। गोरखपुर सीएम सिटी है, जैसे ही सीएम साहब जाते हैं यहाँ अपराध हो जाता है। गोरखपुर के बगल की स्थिति, मुख्यमंत्री आप आइए गोरखपुर, नितिन जी मैं कई बार आपको न्योता दे चुका हूँ, आप आइए गोरखपुर, मैं दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री के मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूर पे कंधे तक का पानी लगा हुआ है, मैं गया हूँ वहां पे। मुख्यमंत्री के जहाँ पे मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस है उसके जस्ट 100 मीटर पीछे इतने इतने पानी में रिहायशी घर है, डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जब अपने जिले को डूबने से नहीं बचा सकता है तो प्रदेश को क्या बचाएगा? हवाई सर्वेक्षण करके मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री का जो फोटो और अपनी फोटो लगा के लोगों को 5 किलो आटा और 4 किलो चावल देके तो लोगों को ये खरीद रहा है। दवाई देने की जरूरत है, अस्पताल देने की जरूरत है, सड़कें देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है, ये भूल जाते हैं। ये 4 किलो चावल और 2 किलो आटे में लोगों को खरीद ले रहे हैं, ये भिखमंगा समझ लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को। और हमारी बहन जो ये बैठी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जाए और अगर नहीं समझ में आता है तो अपनी पार्टी से त्याग करें, ये पार्टी गंदी पार्टी। चलिए हम जवाब ले लेते हैं एक एक करके, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, हम 30-30 सेकंड का सबको समय देते हैं। शौकत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की? 2022 भी सामने है, बीजेपी के लिए समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाना, क्योंकि अभी ये बीमारी जिसको रहस्यमय नाम दे दिया गया है, दूसरा इसके बाद कोविड की दस्तक भी बताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, सरकार को किस तरह से काम करना जरूरी है अब? देखिए नितिन जी, अभी तो ये मामूली सी एक बीमारी आई जिसने तमाम बच्चों की जानें ले ली, अभी कोविड की तीसरी लहर की बात कही जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में कोई तैयारी नहीं की। अब आके कह दिया जाएगा कि अचानक आ गई बीमारी और हमने कोई तैयारी नहीं कर पाई। अभी पूछा जाए इन लोगों से कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आपने क्या तैयारी की, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम करिए जिससे उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक रहे, लेकिन इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि इनकी तैयारी इस बात की नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत कैसे दी जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराई गई, लेकिन हाँ इनकी तैयारी
इस बात की जरूर है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या माहौल बनाया जाए, किससे उत्तर प्रदेश का माहौल डाइवर्ट हो, जिससे हम चुनाव में आश्रित रहें, कुर्सी पर फिर से आश्रित हो, इस बात की तैयारी जरूर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या तैयारी, ये बताने के लिए अच्छा मही लोग। चलिए अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाए प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी चुनाव से ज्यादा अहम है लोगों की जान बचाना। सरकार को किन किन बातों पर फोकस करना इस वक्त बहुत जरूरी है? देखिए, सच्चाई वही है जो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। तो ये राम भरोसे जो है कोविड की दूसरी लहर पे रोक लगी, ब्रेक लगा, अब उसके बाद जो है दूसरी लहर की कोई तैयारी नहीं। मैंने पहले भी पूछा था शबनम जी से कि आपने कितने CHC PHC इस दौरान बनाए, उसका कोई जवाब नहीं मिला। जो बेड घट गए उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो इनके पास कोई मूलभूत सुविधाओं तो इन्होंने उपलब्ध कराई नहीं उत्तर प्रदेश में। इनका काम है सिर्फ जनता को भ्रमित करना, झूठ बोलना और मुद्दों से भटकाना। ये व्यक्ति बिजी हैं सम्मेलन करने में, अलग अलग जाति और धर्म के आधार पर बांटने में जनता को। तो इनकी सिर्फ वही राजनीति है, उसी राजनीति में ये विश्वास करते हैं। चलिए ठीक है। मित्र प्रकाश, आखिरी 30 सेकंड आपके पास है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार को इस वक्त क्या करना जरूरी है इन जानों को बचाने के लिए जो इस वक्त अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक शब्दों में सीधा जवाब देना चाहूंगा कि सियासत छोड़ के इस समय लोगों के साथ लगना होगा, क्योंकि अभी डेंगू आया है और लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े एनालिसिस बता रहे हैं कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। लोगों की जान से बढ़कर नहीं है आने वाला चुनाव। सरकार लोगों के लिए लग जाए, सरकार लोगों के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और तमाम चीजों, दवाइयों की व्यवस्था करे। सरकार को इसके अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर चौराहे पे जो लग रहे हैं, उस वही पैसे सरकार दवाइयों पे खर्च करे जो गरीब, शोषित, वंचित लोगों को मिले। चलिए शबनम जी, आखिरी में आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि कई सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, कई तरफ से आप लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश समस्याओं में घिरा हुआ है। क्या तैयारियां हैं आगे की? कब तक हमें आप उम्मीद जताएंगे कि हम इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे? क्योंकि ये समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हमारी जिंदगी, हमारी जान से जुड़ी हुई है, इसलिए पहले इससे हमें बाहर निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सबके बातों का एक जवाब देती हूँ कि ये बीमारी पे राजनीति करने वाले लोगों को सेफई का नाच गाना और गांधी परिवार के नाम पे आधी देश में नामकरण होना ही विकास दिखता है। जनता को मिलने वाली, गरीब जनता को मिलने वाले सहायता राशि और पदार्थों को ये भीख के पदार्थ बोलकर उनका अपमान करना जानते हैं। सीएससी पीएससी में मैंने बार बार कहा कि 50 से 100 ICU बेड बढ़ाया गया है बच्चों के लिए, और चुनाव को लेकर ये जिस तरीके की बातें करते हैं, लगता है ये चुनाव करते नहीं है, ये बगैर चुनाव के रहेंगे। और इलाज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना में हमने सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, सबसे अच्छा इलाज दिलाया और जगह जगह पे हमने लोगों को सुविधाएं दी, और इस बीमारी को भी कंट्रोल में कर लिया जाएगा एक दो दिन के अंदर। आप देखेंगे सभी कुछ कंट्रोल में रहेगा। सरकार पूरी तत्परता के साथ लग चुकी है और सरकार ने इस पर करीब करीब अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं 2 से 3 दिन बाद फिर आपसे जुड़ूंगा और कोशिश करूंगा जानने की कि कितना सरकार ने काम किया, कितना इस पर काबू पाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर जुड़ने के लिए। तो साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ऐसी हैं जहां पर लोग अस्पताल इलाज कराने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है और उनकी जान चली जा रही है। कुछ ऐसा ही माहौल था उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान भी, जहां पर लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार की कोशिश जारी है, तब से जब से कोविड की पहली लहर आई थी तब से लगातार बैठकें, लगातार मीटिंगें, सारी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन ये स्थितियां नहीं सुधर पाई हैं। जो बेसिक नीड है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता की, वो नीड अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की नीड पूरी नहीं हुई है, डॉक्टर्स की नीड पूरी नहीं हुई है कि वो दवा क्या दें, वो इलाज क्या करें। क्विक रिस्पॉन्स अभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर चेतना जरूरी है, तभी ये जिंदगियां बचेंगी। तो आज की डिबेट में इतना ही। अमित जन्मति, नमस्कार।